गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव टू टीच यू केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th, चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैग्नीशियम रिबन, यानी जो मैग्नीशियम की जो पतली रिबन आती है, वह उसको जब हम जलाते हैं तो वाइट फ्लेम के साथ, बहुत चमक के साथ वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और जलने के बाद यह वाइट पाउडर में बदल जाती है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यह पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यानी MgO। MgO इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, 2MgO, 2Mg, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, केमिकल रिएक्शन इसका लिखना होगा। एक्टिविटी 1.3, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क आर ए टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, डू यू ऑब्जर्व एनी थिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, टच द कॉनिकल फ्लास्क आर टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। आइए इसके बारे में डिस्कस करें। एक्टिविटी 1.2 में कहा गया है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेना है और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन मिलाना है। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, यह लेड नाइट्रेट का एक सोल्यूशन है। इसमें रिएक्शन कराना है पोटेशियम आयोडाइड से। रिएक्शन कराने पर यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा, तो PbI2 बनेगा, PbI2 प्लस KNO3, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर NO3 ट्वाइस है, तो यहाँ पर 2 लगाना होगा, 2K हो जाने की वजह से यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, PbI2 प्लस 2KNO3। यह लेड नाइट्रेट है, यह पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है, और यह लेड आयोडाइड जो कि प्रेसिपिटेट है, यह येलो कलर का होता है प्रेसिपिटेट, और यह पोटेशियम नाइट्रेट है। This is potassium nitrate। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर आयंस का, दो कंपाउंड्स के एक्वस सोल्यूशन के बीच में आयन का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ से नाइट्रेट आयन यहाँ पर गया और आयोडाइड आयन यहाँ आया, जिसकी वजह से डबल एक्सचेंज हुआ है, इसलिए यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट,
यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी, यानी इन दिस रिएक्शन देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंपाउंड्स, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स. नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन एक्टिविटी 1.3. टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में या कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स लेना. जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसको रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से. मान लीजिए हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, आइए देखते हैं इस रिएक्शन को. जेडेन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 देन इट रिएक्ट देन फॉर्म JnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. यानी जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा. दिस इज जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट साल्ट है. यानी यहाँ पर जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है. तो JnSO4 साल्ट है, यह साल्ट है जिसका नाम है जिंक सल्फेट और यह हाइड्रोजन गैस है. यानी जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और यह रिएक्शन के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है. यानी यह जो रिएक्शन है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अगर कहा जाए बताइए JnSO4 किस टाइप का रिएक्शन है तो हम कहेंगे यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि इससे हीट रिलीज हो रही है इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और यहाँ पर जिंक जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है डिस्प्लेस हो रही है तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है. वी कैन से दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो जानते ही हैं हम लोग. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन और मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन फ्रॉम एसिड. यानी एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा और रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन से ऊपर होगा वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वही रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर पाएगी. ऊपर का यह रिएक्शन एक्टिविटी 1.2 में यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. दिस एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान यह होती है कि दो साल्ट के सॉल्यूशन के बीच में दो साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होता है जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है. दो दो आयंस का एक्सचेंज होने की वजह से इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनता है। तो PbI2 इज़ लेड आयोडाइड दैट इज़ प्रेसिपिटेट एंड इस कलर इज येलो। प्रेसिपिटेट इज ए इनसोल्युबल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर। डियर स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।